क्या आप फाइनेंशियली फिट हैं? नाइन्टी फोर पॉइंट आप सुन रहे हैं मेरे यानी आर जी मीनाक्षी के साथ और आप सुन रहे हैं माय मनी गुरु का एक और शानदार एपिसोड दिस ब्यूटीफुल इवनिंग और यस yes, uh, मेरा आपसे वही सवाल है क्या आप फाइनेंशियली फिट हैं? नहीं इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप नोटो की गड्डिया उठा उठा के डम्बल मारते हो या ट्रेडमिल की जगह नोटो के पीछे भागते हो सो तो फाइनेंशियल फिटनेस का मतलब क्या है ये हम जानेंगे से जो हमारे साथ बैठे हैं हमेशा की तरह नाटी को फाउंडर ऑफ फाइनेंशियल फिटनेस क्या है मीनाक्षी फाइनेंशियल फिटनेस इज बेसिकली यू नो योर एबिलिटी टू मीट सम और टू डील विद यू नो एक सडन चेंज आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में हो जाए बिकॉज ऑफ मे बी लॉस ऑफ अ जॉब

पहले हम स्पेंड करते हैं ah. फिर देखते हैं इतना बच्चे से सेव से कर लेते Amisha. हैं सो दैट इज वॉट डिफाइन हाउ यूर फाइनेंशियल फिटनेस इज प्लान यू डोंट प्लान बेसिकली यू फेल

Jo hai 0172 667 000 P Sudari 94.3 MF Emperor, My Money Guru, which is brought to you by Finn Rasia, Arjum and Akshi फाइनेंशियल फिटनेस अगर आपकी नहीं है तो मेंटल इमोशनल फिटनेस कुछ भी नहीं रहेगी ये सच है 94.3 फोर पॉइंट आप सुन रहे हैं मेरे यानी आर जे मीनाक्षी के साथ और आप सुन रहे हैं माई मनी गुरु ये शो इज ब्रॉट बाईजिया और अभी मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है क्योंकि मेरी यहाँ पे लाइव क्विज आपके सामने होने वाली है और नैटी द को फाउंडर फ्रॉम फिन वेजिया ये कुछ लेने वाले हैं सो so, हर क्वेश्चन मेरे से दस क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएंगे नाटी आमा राइट और हर क्वेश्चन uh, जो है वो टेन मार्क्स कैरी करेगा फॉर एवरी यस जो भी मैं हाँ करती हूँ मुझे दस नंबर मिलेंगे जो भी मैं ना करती हूँ मुझे तीन so mm -hmm. uh, uh, महीने के एक्सपेंस ये ओके सेकंड क्वेश्चन आई यू अवेयर की आपको हर महीने कितना इन्वेस्ट करना चाहिए सो यू हैव द राइट ऑफ मनी वन यू रिटायर थर्ड क्वेश्चन आई यू सेविंग एटलीस्ट टेन परसेंट ऑफ यूर ग्रोस इनकम एवरी मंथ यस Perfect. Fourth question: Are you a consistent investor? No. Okay. Fifth question. Do you have financial goals set up? Kippi short-term, long-term, medium-term financial goals. Okay, sixth question. Uh, do you invest in stock markets? No. Seventh question: Are your investment returns sufficient to beat the inflation? Invest return, or inflation invest, is no. Okay, and what about your credit cards? Do you pay your credit cards on time? Yes, all the bills on time. Perfect. Do you know about all the various

तो आप मिजरेबल हालत में हैं। माय गॉड 30 से 50 जैसे कि मुझे मिले हैं तो आपकी हालत डिसअपॉइंटिंग है 60 से 80 अगर आपको मिल रहे हैं राइट ट्रैक आप बड़े खुश हो रहे हैं क्या बात है और नब्बे से सौ अगर आपको मिल गए जो कि काफी मुश्किल है तो देन आर इन शेप मेरी पड़ेगी जल्दी नाटी बाकी बात है लेकिन आप भी एक ले चुके हैं आपको पता है आपको क्या करना है और क्या करना है ये हम जानेंगे थोड़ी देर में और कैसे आप सुनते रहिए नाइन पॉइंटिंग एपिसोड माई मनी गुरुआ Yes, for more details you can log on to www.mymoneyguru.finveja.com pay your can call me 0172 and the number is double six seven double zero 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 pay sunderi my fm minakshi kesa geo they'll हाँ जी तो फिजिकली फिट रहने के लिए घंटों जिम में पसीने बहाएंगे लेकिन फाइनेंशियली फिट नहीं है तो चैन से नहीं रह पाएंगे दैट्स राइट आप आप सुन रहे, station, yes, आप सुन रहे रहे हैं हैं मेरे यानी मीनाक्षी के साथ द फिटेस्ट रेडियो स्टेशन एंड यस यहाँ पे माई मनी गुरु इज ब्रॉट यू ब्रॉटिया मेरे साथ है फिन वेजिया के को फाउंडर नैटी नैटी अभी, अभी अभी जो मैंने क्विज लिया माई गॉड डिसअपॉइंटिंग मेरे रिजल्ट है समय और अगर आपने वो क्विज मिस कर दिया ट्रस्ट ने आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्विज मिस कर दिया क्योंकि आपको पता चलता है कि कितने फिट आप हैं और अगर आप मिस कर चुके हैं तो कोई चक्कर नहीं है आप विजिट कर सकते हैं फिर भी हम देखते हैं मेजोरिटी एंड ऑफ अवर करियर साठ साल के हुए तो बहुत ज्यादा से नहीं रही है तो वाई डेट हेपन दैट शोज योर फाइनेंशियल फिटनेस आई वुट से दोस्ट इंपोर्ट राइट नाउ इज स्टार्ट सेविंग राइट वे जैसे इनकम आती है दस परसेंट को साइड में सेव कर दीजिए मतलब भी नहीं है, की बैंक में बिल्कुल भी नहीं है की फिक्स जैसे की सबसे बड़ा इन्फ्लेशन बीटर होता है स्टॉक मार्केट right. uh, जैसे गोल्ड इज ऑल्सो वन ऑफ दट दो मार्केट में यू शुड पुट मनी ओवर देयर ऑलवेज हैव समिंग ऑन द साइड फॉर योर रेनी डेज सो दो इंपोर्ट स्पेंड अट ऑफ टाइम एजुकेटिंग आप किस तरह से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे आप इन्फ्लेशन से ज्यादा बना सके यू mm रिमेबर -hmm. you know, जब हमने ये शो शुरू किया था निफ्टी तकरीबन छह हजार के ऊपर ट्रेड कर रहा था कैप्टन स्क्रीमिंग बाय निफ्टी बाय निफ्टी आज की डेट में निफ्टी इज अबाउट सिक्स ऑलमोस्ट यू नो फोर्टीन परसेंट रैली फ्रॉम दियर और हमें लोग पूछते हैं कि अब तो निफ्टी बहुत महंगा कि अब भी बाय करना चाहिए इफ यू अर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर निफ्टी इज नेवर एक्सपेंसिव इट्स ओनली एक्सपेंसिव फॉर पीपल हुआ बाइंग फॉर फिफ्टीन ट्वेंटी डेज एंड हुई

पे या फिर आप डायल कर सकते हैं ये नंबर जीरो वन सेवन टू डबल सिक्स सेवन डबल जीरो डबल जीरो पे सुनते रहिए मैफ एम मीनाक्षी के साथ जियो दिल से फिटेस्ट रेडियो स्टेशन नाइन्टी फोर पॉइंट आप सुन रहे हैं मेरे यानी आरजे मीनाक्षी के साथ और क्या आप फाइनेंशियली फिट हैं यस आज का हमारा शो माय मनी गुरु आप सुन रहे हैं व्हिच इज ब्रॉट टू यू बाय ब्रॉटिया और ये yes, हम यहां पे यही पूछ रहे हैं कि क्या फाइनेंशियली फिट हैं बहुत सारी बातें हुई मुझसे क्विज भी मेरी ली गई जिसमें मैंने कंप्लीटली फेल कर दिया मीनाक्षी वाज अमेजिंग एक्चुअली आपको मतलब मेरे इतने कम मार्क्स आए तो आपको अमेजिंग लग रहा है या दैट्स नैटी द ऑफ फॉर यू अच्छा चलिए अब मुझे ये बताइए कि क्या अमेजिंग सिनेरियो शो करने करने वाली है इस हफ्ते मार्केट्स कैसे बिहेव वाले दिस कमिंग वीक वी आर लुकिंग एट ट्यूसडे जब डब्ल्यू पी आर सी पी आई इन्फ्लेन डेटा आएगा हमारे इंडिया का विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करेंसी करेंसी ट्रेडर्स के लिए वेडनसडे को वी आर लुकिंग एट यू एस का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा थर्सडे को यूएस फिली फेड मैनुफेक्चरिंग दिस टू डेटा आर इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट शुड लुक आउट फॉर फ्राइडे को एक्चुअली अक्रॉस द वर्ल्ड सारी मार्केट्स बन था बिकॉज गुड फ्राइडे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस वीक बिकॉज वी आर कमिंग टू एन एक्सप्लोरेशन वीक there will be a lot of volatility that will come into the market this is the last expiration before the elections jo implied volatility hai wo bahut zyada rise karegi market mein choppiness bahut zyada badh sakti hai aur specifically agar aap option short seller ho ya aap option writer ho to aapko market se bilkul bahar rehna chahiye this period can bring in tremendous amount of fluctuations in your portfolio and uh, agar invest karna ho to kaun se aise stocks aap batayenge jahan par invest karna safe option rahega milachi we have been saying uh, buy into the stock markets and buy into the banking stocks uh, all this while and banking stocks have been up have 25%. Been years. Years. Uh, right now, I would say if you have already bought those stocks, sit on those stocks. Do not sell them because market both high hai, hai okay. But do not buy more stocks right now. Sit on the sideline. Wait for the next two weeks. Let the election get over. Uske baad you should be picking up more stocks. क्या बात है amazing यार पहले ही पता चल जाता है अगले हफ्ते क्या होने वाला है yes <laughs> almost <laughs> चलिए क्या बात है almost आज मैं तेरे बुरी तरह से हारते हारते at least मैंने मुझे लगता है कि मेरे तीस नंबर आए दस नहीं आए तो मैं उसी में खुश हूँ I had a real fun time. टूडे अगले हफ्ते फिर बहुत सारी मस्ती एंड नोइंगउट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स एंड ये हाउ टू मेक यूर सेल्फियत करेंगे हम एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है या लगातार तो आप लॉग ऑन कर सकते हैं डब्ल्यू 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 डॉट माई मनी गुरु डॉट फिन डॉट कॉम पे या फिर आप डायल कर सकते हैं ये नंबर जीरो वन सेवन टू डबल सिक्स सेवन डबल जीरो पे मीट यू ऑन येट अनादर एपिसोड ऑफ माई मनी गुरु नेक्स्ट संडे फाइव टू सिक्स पी एम टिलेट डे कल सुबह सलाम चंडीगढ़ पे मुलाकात फिर से होगी नाटी कुछ कहना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं क्या बात है